कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और अपनी बगिया में लगे होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, ये है चाय पत्ती। ये चाय पत्ती है जिसको हम ने उबाल लिया है, चाय बना ली है, तो ये बच गई है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे पौधों में। तो हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। देखो, इसको अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए ताकि इसमें मीठा ना हो। हम चीनी वगैरह डालते हैं तो इसमें चीनी ना हो। अच्छी तरह धोने के बाद हम इसको गमले में यूज़ करेंगे। आज हम इसको तुलसी के पत्ते बड़े करने के लिए, उसको पौधे को अच्छा बनाने के लिए उसमें यूज़ करेंगे। आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा तुलसी का पौधा। ये देखिए, तुलसी का पौधा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस पौधे में, देखिए थोड़े छोटे छोटे पत्ते हैं। देखिए कितने छोटे पत्ते हैं। लेकिन अगर हम इन पत्तों को, इन लीव्स को बढ़ा लेना चाहते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा इस पर। सबसे पहले तो हमें जो ये है, हमें काटना पड़ेगा। देखिए, ये जो है बीज है, बीजों के ये वाले जो बीज हैं, इनके जो है ये देखिए, हमें काट लेने चाहिए। अगर हम इस पौधे को बड़ा बनाना चाहते हैं, इसके पत्तों को बड़ा करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जब ये सूख जाएं तो हमें इनको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी हमारे काम आएंगे। ये सीड जो है, हम दोबारा फिर से पौधे ग्रो करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनके सभी जो सीड्स हैं इनको काट लूँगी। देखिए, ये सबसे ज़रूरी है। अब आप देखेंगे, जब इनके सीड्स को आप काट लेंगे तो उसके बाद ये पौधा बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। देखने में भी बढ़िया लगेगा और इसमें ग्रोथ होने भी शुरू हो जाएगी। देखिए कितने सीड हमें मिल गए हैं। तो इससे हम नए पौधे भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अब मई का मंथ है और जून के मंथ में हमें पता है कि काफ़ी पौधे जो है ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, तो इसके सीड हम डाल सकते हैं। दूसरा काम हमने करना है इसकी बड़ाई। ये देखिए, ये कैसे, इसकी मिट्टी कितनी ज़्यादा सख्त हुई पड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। और इसकी गुड़ाई हमें समय समय 10 दिन के बाद, हफ्ते के बाद करनी पड़ेगी। और आज हम इसकी गुड़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसकी, इसके बीच में ये जो पत्ती है, चाय पत्ती जो अभी मैं हमने धोई है, इसको पानी से धोकर लेकर आई हूँ, तो ये जो चाय पत्ती है इतनी ही हमने इसमें डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। अगर हम इससे ज़्यादा डाल देंगे तो ये पौधे को ख़त्म कर देगी। तो ज़्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाय पत्ती जो है ये हमारे पौधों को विकसित करती है, बड़ा करती है, इसका विकास करती है, ग्रोथ करती है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा डाल देंगे हम तो ये इसको मचा देगी, ख़त्म कर देगी, इस पौधे को झुलसा देगी। इसलिए हमें इसमें सोच समझ कर ही जो चाय पत्तियाँ डालनी चाहिए। सबसे पहले जो चाय पत्ती डालनी है, ऐसी नहीं कि ऐसी गमला लिया और उसमें गमले में गए, के पास गए और उसमें चाय पत्ती फेंक दी। नो, हमें उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई करनी होगी। गुड़ाई करके उसकी, देखो ये जगह खाली करनी पड़ेगी। और इसके साइडों पर हमें, अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि हमें इसमें फिर वो चाय पत्तियाँ जो वो डालनी होगी। देखिए कितनी मिट्टी जो है, वैसे इसकी मिट्टी मैंने पहले भुरभुरी बनाई थी, देखिए काफ़ी भुरभुरी मिट्टी है। और इसमें मैंने किचन की वेस्ट डालकर, क्योंकि गमलों में कभी भी जो मिट्टी होती है उसको सख्त अगर होगी तो वो कभी भी हमें अच्छी ग्रोथ नहीं देगी पौधों को। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें इसमें
कुछ भी डालना पड़ता है, जैसे कि इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, या आप जो कि बहुत ही आपको सस्ती भी पड़ेगी, सस्ती क्या आपका कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री में ही बनेगी, कि अगर आप इसमें किचन की वेस्ट डालेंगे। और हर पौधा जो है वो थोड़ा सा समा तो मांगता ही है, तो आपको इसमें इसको समा देना पड़ेगा। और इस पर समा जो आप देंगे इसको, तो वो आपको अच्छी ग्रोथ देगा। देखो मैंने कितनी अच्छी मिट्टी बना दी है साइडों पर, इसको बिल्कुल मैंने क्या कर दिया है, पोला कर दिया है। देखो तो फिर तभी इसमें हम पोला करने के बाद इसमें क्या डालेंगे, ये वाली डालेंगे जो हमारे पास चाय पत्ती है, बस ये चाय पत्ती हमने इसमें डाल दी है। इसको आपको मैंने दिखाई दिया, इसको धोने के बाद अच्छी तरह इसमें से चीनी निकाल देनी है, अगर आप चीनी डालते हैं, अगर नहीं डालते तब भी आपने इसमें धोना है इसको ज़रूर, अच्छी तरह टूटी के नीचे छोड़कर टैप के धोना है, ताकि इसमें जो दूध है या कोई चीज़ और हम डालते हैं इसमें तो वो निकल जाए। देखिए इसको मैंने कितना अच्छी ढंग से इसको बीच में मिक्स कर दिया है, और इसको मिक्स करना है, ये नहीं कि एक जगह पर डाल दें, इसको चारों तरफ, देखो इस पौधे के चारों तरफ मैंने इसको डाल दिया है, और इसके ऊपर अब हम पानी डाल देंगे, हल्का सा पानी डाल देंगे अभी, तो फिर बाद में इसमें जैसे रूटीन में पानी देते हैं वैसे देते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही इस पर कितने अच्छे जो है पत्तों पत्ते ग्रो हो जाएंगे, और ये पौधा कितना ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। देखो मैंने इसमें से कितने निकाल लिए हैं, और भी काफ़ी हैं, ये देखिए ये सभी मैं निकालूंगी और इसको कहीं और मैं ग्रो कर दूंगी किसी और पौधे में, ताकि मुझे और जो है तुलसी के पौधे मिल सकें, और ऐसे मैं घर में फ्री में ही तुलसी के पौधे बना लूंगी। और ये सब देखने के लिए, क्योंकि इसका अपडेट दूंगी तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और छोटी छोटी वीडियो देखते जाएं, और अपने जो घर में गमलों में या कच्ची जगह है वहाँ पर आप ग्रो करते रहें, क्योंकि मैं तीनों तरह की गार्डनिंग करती हूँ, कच्ची जगह पर भी बनाती हूँ, मैंने ग्रो किया हुआ है उसकी भी वीडियो बनाती हूँ, और ज़मीन में भी ग्रो किया हुआ है उसकी भी वीडियो बनाती हूँ, और छोटे छोटे मैंने टेरेस पर क्यारियाँ बनाई हुई हैं उसकी भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो जिस तरह की भी आप गार्डनिंग करते हैं आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं, उनसे जानकारी लेकर आप भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे में आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे और किसी ना किसी काम में लगे रहेंगे, और अच्छी सब्जियाँ अच्छे फूल अच्छे फ्रूट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। सो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी, तो देखिए इतने सारे मुझे सीड भी घर में फ्री से मिल गए हैं, और देखिए ये मेरा पौधा भी स्वस्थ हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।